हमारे पास है ओप्पो का F7, नॉच वाला फ़ोन है और बहुत इसके बारे में लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि ये फ़ोन कैसा होगा। आज तक लोग हमेशा बात करते हैं कि ओप्पो के फ़ोन में मीडियाटेक का प्रोसेसर होता है और मीडियाटेक का प्रोसेसर नॉर्मली बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हीलियो P60 जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है वो इसके अंदर आया है, तो उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे और क्या ये है बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा या फिर एवरेज प्रोसेसर, आपको डिटेल में बताऊंगा। अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों करूंगा एक साथ इस वीडियो में, बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत अनबायस्ड मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं इसका। इससे पहले भी मैं ओप्पो और वीवो के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं, क्यों बिकते हैं ओप्पो और वीवो के फोन, ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। बाकी फटाफट बिना वक्त गवाए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बॉक्स देखने में बाहर से कैसा लगता है। ये 4GB 64GB का वेरिएंट है, 25MP का सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन है। सेल्फी के मामले में हमेशा ही ओप्पो के फ़ोन काफ़ी अच्छे रहे हैं। बाकी अगर साइड की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल इन्होंने अपना लोगो ही लगा रखा है और कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी यहाँ पर ये सील अगर आपको देखने को मिल जाएगी। बात बैक पैनल की, बैक पैनल में आपको दिख जाएगा AI इनेबल 25MP का कैमरा, साथ में आपको मिलेगा 64GB की रोम, 4GB की इसके अंदर रैम है, 6.23 इंच की फुल HD स्क्रीन है और डिजाइन जो है वो काफी ग्लोसी है, काफी यूनिक है। रेड कलर का वेरिएंट हमारे पास है। इसके अंदर हम बात करूं स्टार वैल्यू की, तो स्टार वैल्यू जो है 1.27 है आपके हेड के लिए और 1.078 है आपकी बॉडी के लिए। अगर मैं चार्जिंग की बात करूं तो वो है 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर। प्राइस जो डब्बे पे लिखे हैं वो है 22,999 रुपये, लेकिन ये आपको लोकल मार्केट के अंदर 21,999 रुपये का मिल जाएगा। ये सिंपल सा हमारे पास नाइफ है दोस्तों, जो आपके घर में होता है, इसी से हम इसकी ओपनिंग करने वाले हैं। इसके ऊपर की तो जरा सा आप यहाँ से पुश करेंगे इसको और बॉक्स जो है वो हमारा, इसको हम थोड़ा सा खींच के निकाल लेते हैं। तो बॉक्स अगर अभी मैं बात करूं तो F3 का बॉक्स भी ऐसा ही था, F5 का बॉक्स भी ऐसा ही है, F7 का बॉक्स भी अंदर से देखने में ऐसा ही है। बॉक्स हम इसको ओपन कर लेते हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट लुक। ये पहला लुक है फ़ोन का। सबसे पहले हमारे को इसके अंदर मिलता है एक सिलिकॉन केस जिसको आप फ़ोन के साथ लगा सकते हैं। फ़ोन की लुक काफ़ी ग्लॉसी है, तो ये फिंगर मैग्नेट एक तरह से हो सकता है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट हो सकता है, काफ़ी इसके अंदर निशान बहुत जल्दी ये पकड़ सकता है। इसके अलावा फ़ोन के अंदर आपको मिलेगा एक चार्जर, एक आपको मिलेगा हेडफोन माइक के साथ और एक आपको मिलेगी USB केबल। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों फ़ोन के अंदर। अब हम फटाफट फ़ोन को कर लेते हैं एक बारी ऑन और इसकी मैं एक बारी आपको पूरा रिव्यू इसके साथ साथ दे देता हूँ। तो दोस्तों फ़ोन हमने कर लिया है ऑन और ओप्पो का आ गया है लोगो ब्रांडिंग के साथ, और एक क्विक सेटिंग को हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लेते हैं और इंस्टेंटली आते हैं उसके बाद रिव्यू के ऊपर। फ़ोन को क्योंकि मैंने नेट से कनेक्ट कर लिया है तो फ़ोन अभी कुछ अपडेट्स देख रहा है, अभी इसको मैं स्किप कर देता हूँ। सो दोस्तों ये है, ओके सो दोस्तों ये है एक लुक एंड फील